न्यू व्हाट्सएप कैसे क्रिएट करें। दोस्तों अगर आप लोग कभी अगर व्हाट्सएप आईडी नहीं क्रिएट हो रहा है तो आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप आईडी अपना कैसे बना सकते हैं। खास करके उस बंदे के लिए वीडियो है जिसका मतलब व्हाट्सएप पर ओटीपी नहीं है, तो जो कोड आता है व्हाट्सएप कंपनी से, अगर उसको ओटीपी अगर आप लोग नहीं वेरीफाई करते तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप आईडी नहीं बनेगा। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग को ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो दोस्तों ओटीपी इसलिए नहीं आता है कि अगर आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अगर व्हाट्सएप को डाउनलोड करके रखते हैं, एक मंथ या दो मंथ अगर हो जाता है उसका अपडेट आता है, अगर आप लोग उसको अपडेट नहीं करते हैं और व्हाट्सएप आईडी क्रिएट करने जाएंगे तो आप व्हाट्सएप आईडी क्रिएट नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, नहीं तो व्हाट्सएप को डिलीट करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये 100% कोड वाला मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि व्हाट्सएप आईडी कैसे बने, मतलब व्हाट्सएप कैसे बनाए। तो यहाँ से व्हाट्सएप बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। अब आप लोग व्हाट्सएप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप इंग्लिश रखना चाहते हो या हिंदी रखना चाहते हो या मराठी रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश रखना चाहता हूँ, इंग्लिश पर आपको क्लिक करके, अगर आप मान लीजिए अगर आप लोग हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कर देना है। हिंदी पर अगर हिंदी नहीं रखना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, इंग्लिश पर यहाँ पर टाइप कर देना है। इंग्लिश पर आपको टाइप करने के बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे सबसे नीचे में डोंट अलाउ और ऊपर में अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे नंबर डालने के लिए बोलेगा, फ़ोन नंबर जिस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप क्रिएट करना चाहते हो तो उस नंबर के यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे एडिट योर यस का ऑप्शन पूछेगा, तो आपको एडिट पर नहीं क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोड जो है आ चुका है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा मेरा। यहाँ पर एक मिनट 3 सेकंड का वेट कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर नीचे में टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर कोड आ चुका है, देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई भी मेरे यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वेरीफाई कैसे होता है ये भी आप लोग के मन में डाउट होगा मैं बता देता हूँ। जो व्हाट्सएप आप लोग बना रहे हैं अगर वो व्हाट्सएप मतलब इसी फिर सॉरी वो सिम अगर इसी फोन में लगा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक मतलब वेरीफाई हो जाएगा, अगर ये सिम दूसरे फोन में रहेगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होगा, वहाँ पर कोड डालना पड़ता है तब आपको वेरीफाई वहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर से अलाउ पर क्लिक करना है, फिर से आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई सा भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरे को ये वाला फोटो मेरे को सिलेक्ट करना है, अलाउ पर क्लिक कर देना है सिलेक्ट करके। और आपके यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखा है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आप लोग नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ वेट करने के लिए बोलेगा और आपको फिर से क्रिएट द एस्पेक्ट आपको यहाँ पर कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ वेट करना है, वेट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू मतलब इसको सेव कर लेना है जीमेल में। तो मैं अपने जीमेल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सिक्योरिटी के लिए मैं थोड़ा इसको ब्लर कर दूंगा। कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है, फिर से आपको यहाँ पर यूज द सिक्योर लॉक आपको यहाँ पर दे देना है। व्हाट्सएप में न्यू फ्यूचर अपडेट आया है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और क्या है तो मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ अपना, फिंगरप्रिंट देने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा जो व्हाट्सएप यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है मतलब खोज रहा है मतलब बंदों को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पॉपअप होगा, तो आपको यहाँ पर डेली ऊपर में आपसे देखा डेली पर क्लिक करके और आपके यहाँ से कोई सा भी एक डेटा मतलब जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जीमेल सेलेक्ट करके यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं 100% जो मेरा व्हाट्सएप है बन के रेडी हो चुका है, आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग व्हाट्सएप आईडी क्रिएट कर सकते हो और वो मत प्रॉब्लम बता दिए जो व्हाट्सएप पर जो ओटीपी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम वीडियो को स्टार्टिंग बता दी हो। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखें तो जाके आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देखिए, वो प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया हूँ। दोस्तों चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा कर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे मोबाइल से टेक्निकल वीडियो आता रहेगा। अगर आप लोग मोबाइल के टेक्निकल वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू।